कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस ही चढ़ी बाद ही बाजा, देख ही सिवई सुत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जगनाही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी दिन चुपचाप महादेव पर चढ़ा दें ये एक गुप्त चीज, दुश्मन तो क्या खुद मृत्यु भी छू नहीं पाएगी। हर हर महादेव। दोस्तों कहते हैं कि महादेव शिव किसी पर अपना हाथ रख दें तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, दुनिया का हर सुख उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव बहुत ही दयालु है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो स्वयं भोलेनाथ उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए तो कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मुँह मांगी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा का बड़ा ही महत्व है। एक लोटा जल चढ़ा देने से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव की पूजा बड़ी बड़ी बाधाओं को भी दूर कर देती है। वहीं शिव पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करता है तो उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है और पूर्ण भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम आपको महादेव शिव की एक ऐसी प्रिय और गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप इस गुप्त चीज को किसी भी महादेव मंदिर में ले जा करके रख देते हैं या फिर महादेव को चढ़ा देते हैं तो आपके घर में त्रिदेवों की शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं और सदैव घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में भी महादेव की यह गुप्त चीज होती है वहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती, वहाँ कोई भी बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों त्रिशूल हमेशा भगवान शिव के हाथों में होता है, यह तीन देव और तीन लोगों का प्रतीक है। आप अपने घर के पास या फिर अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चांदी का त्रिशूल एक दिन पहले ही लेकर के आना है और आपको सोमवार के दिन, यदि हो सके तो सोमवार के दिन, अन्यथा आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उस दिन आप सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद आप या तो अपने घर के मंदिर में जाएं या फिर आप किसी भी महादेव मंदिर में जाएं, वहाँ पर ले जा करके आप गंगा जल से उस चांदी के त्रिशूल को शुद्ध व स्वच्छ कर ले। उसके बाद महादेव को यह त्रिशूल शिवलिंग पर चढ़ा दे, उसके बाद एक लोटा जल भी चढ़ा दे। इससे दोस्तों यह त्रिशूल महादेव की ऊर्जा से भर जाता है। यदि दोस्तों यह उपाय आप अपने नजदीकी किसी महादेव मंदिर में कर रहे हैं जो कि सर्वोत्तम है, तो दोस्तों आपको अपनी पूजा संपन्न होने के बाद यह त्रिशूल उठा करके अपने घर ले आना है। और दोस्तों अगर आप किसी भी नजदीक के शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप ये उपाय अपने घर के मंदिर में ही कर रहे हैं तो दोस्तों इसे शाम तक वहीं रहने दें और इसके बाद आप इसे उठा करके अपने घर के सभी कमरों में सिवाय टॉयलेट्स को छोड़ करके हर जगह घुमा दें और उसके बाद आप इसे अपने घर में तिजोरी या फिर जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर इसे रख दें। ऐसा करने से दोस्तों यह त्रिशूल आपके घर और परिवार के सभी सदस्यों पर रक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में धन नहीं आता या फिर आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, बेफिजूल के खर्च होते हैं या खर्चों में आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में लगातार कोई बीमार रहता है तो दोस्तों इसके लिए आप एक चांदी की डिब्बी में भोलेनाथ के किसी भी मंदिर से थोड़ी सी भस्म ले आएं और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। अगर आप तिजोरी में नहीं रख सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में से रखें। ऐसा करने से धन आने के मजबूत योग बनते हैं और धन आने के नए नए रास्ते भी खुलते हैं। मात्र कुछ ही दिनों में पैसा आना शुरू हो जाता है और घर के हालात बदलने लगते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा था वह अब बीमार नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर फिर भी बीमार हो तो उस भस्म में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के, एक चुटकी भस्म लेकर के बीमार व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के माथे पर लगाएं। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति घर में भूत बाधा या ऊपरी बाधा से पीड़ित हो तो भी आप थोड़ी सी भस्म लेकर के उसके माथे पर सुबह और शाम अवश्य लगाएं। ऐसा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, महादेव स्वयं उस घर की और परिवार की और सदस्यों की रक्षा करते हैं। दोस्तों अगर आप महादेव की दो चीजों को अपने घर में ला करके रखते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होने लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।